पिछले लेक्चर में हमने दो थ्योरम देखा था। पहला थ्योरम कौन सा था? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और पीपीटी या फिर थेल्स। ये थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन सेगमेंट है किसी साइड के पैरेलल है, तो वो क्या करेगी, बाकी जो दो साइड्स है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। उनको किस में डिवाइड करेगी? सेम रेशियो में। वापस ट्रायंगल है हमारे पास, कोई लाइन सेगमेंट है किसी साइड के पैरेलल है, तो बाकी जो दोनों साइड से वो किस में डिवाइड होंगी? सेम रेशियो में। ठीक है, फिर इसका कन्वर्स, तो वहां पे हमको पैरेलल दिया था सेम रेशियो में था, यहाँ पे सेम रेशियो दिया है तो क्या होगा? पैरेलल। क्या बोला है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई जो साइड लाइन सेगमेंट है दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे, जैसे यहाँ पे लाइन सेगमेंट पी क्यू था, ये दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये जो लाइन है ना ये तीसरी साइड के पैरेलल होगी। इसका रीजन क्या आएगा? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। इसका रीजन क्या आएगा? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। आया समझ में? तो इसको ध्यान में रखना है। और इसके बाद है ना, आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें दो थियरम्स थे, वो दोनों थियरम नहीं है। एक तो एंगल बायसेक्टर थियरम है और दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस का थियरम था, तो वो दोनों थियरम्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो उससे रिलेटेड आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी नहीं रहेंगे। बराबर है? कौन कौन सा? बेसिक ये एंगल बायसेक्टर थियरम और प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, तो उन दोनों को आपको इग्नोर करना है। तो उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं आपके प्रैक्टिस सेट 1.2 में हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस है उन दोनों थियरम्स के अलावा उसको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोला है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एम कितना बोला है? 15। पी एम कितना है? 15। पी क्यू कितना है? 25। पी क्यू पूरा कितना है? 25। फिर पी आर कितना है? 20। पी आर कितना है? 20। और एन आर कितना है? 8। स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, क्या एन एम आर क्यू के पैरेलल है? ये हमको बताना है और रीजन भी देना है। तो क्या आएगा यहाँ पे सॉल्यूशन? तो यहाँ पे स्टेट वेदर बोला है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बराबर है? इसलिए मैं यहाँ पे गिवन टू प्रूफ प्रूफ नहीं लिख रहा हूं। आ रहा समझ में? स्टेट वेदर बोला है तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या गिवन टू प्रूफ प्रूफ नहीं लिख रहा हूं। चलो तो सॉल्यूशन, तो पैरेलल बताना है ना, लाइंस को पैरेलल बताना है, तो यहाँ पे क्या यूज होएगा? कन्वर्ज यूज होएगा। मतलब ये जो रेशियो है ये सेम होना चाहिए। जैसे पी क्यू था उसमें अपने को दिया था एपी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये गिवन था। तो वैसे ही अगर यहाँ पे रेशियो सेम होएगा, मतलब पी एन अपॉन एन आर और पी एम अपॉन एम क्यू, अगर ये रेशियो सेम हुआ तो ये क्या होएंगे? पैरेलल होएंगे कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से, नहीं तो नहीं होएंगे। आया समझ में? तो देखो सॉल्यूशन, तो पहले हमको ये और ये फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो आपका पी आर कैसे मिलेगा? पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर, पी एन प्लस एन आर, क्योंकि पी एन आर क्या है? कोलिनियर। पी आर कितना आपके पास? 20। पी एन कितना है? नहीं पता है। एन आर कितना है? 8। तो ये इधर आएगा माइनस 20 माइनस 8 इज इक्वल टू पी एन, पी एन इज इक्वल टू कितना होगा? 12। पी एन कितना मिल गया? 12। वैसे ही हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एम क्यू। तो एम क्यू कैसे मिलेगा? पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू। क्यों भाई? क्योंकि पी एम क्यू क्या है? कोलिनियर। पी क्यू कितना आपके पास? 25। पी एम कितना है? 15। एम क्यू का ठिकाना नहीं है। अब ये इधर आएगा तो माइनस, तो 25 माइनस 15 इज इक्वल टू एम क्यू, तो एम क्यू इज इक्वल टू कितना मिला आपको? 10। एम क्यू कितना मिला? 10। अब आपको यहां पे देखना है कि अगर इनका रेशियो सेम हुआ, क्या सेम हुआ? रेशियो, तो ही ये क्या होंगे? पैरेलल। तो हम पहले क्या करेंगे? पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर। पी एन कितना है आपके पास? निकालना है यहाँ पे 12। अपॉन एन आर कितना है? 8। तो 4 के टेबल में आते हैं ये, तो 4 2 जा 4 3 जा कितना मिला? 3/2। इसको लिया मैंने इक्वेशन 1। फिर पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू,
पीएम कितना है हमारे पास, 15, एमक्यू कितना है 10, तो 5 2 5 3 जा, तो यहां भी कितना मिला 3/2, ये मिला आपका इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिला, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, कहां से, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो देयर फॉर। अब रेशियो सेम है ना, रेशियो सेम है, तो ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से, तो देयर फॉर एन एम पैरेलल हो जाएगा आपका किसका, आर क्यू के, क्या कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, क्या रीजन आएगा, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, इजी है, आया समझ में, क्या करना था अपने को, पैरेलल प्रूफ करना था, पैरेलल प्रूफ करना था तो हमेशा क्या आएगा, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या आएगा, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, तो दो एंगल का मेजर दिया हुआ है, गिवन है, प्रूव दैट एपी अपॉन पीबी, क्या प्रूफ करना है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी, ये प्रूफ करना है, तो ये देख रहे हो आप लोग, आपको क्या बोला है, एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी मतलब क्या हो गया, और एक्यू अपॉन क्यूसी का मतलब क्या हो गया, कि अगर ये दोनों लाइंस पीक्यू और बीसी पैरेलल हो गए तो हम इसमें डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम लगा के एपी अपॉन पीबी और एक्यू अपॉन क्यूसी ऐसा लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट क्या यूज हो जाएगा, बीपीटी, तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, तो यहां पे प्रूफ करने बोला है, तो क्या आएगा, सबसे पहले गिवन, क्या आएगा गिवन, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी कितना है आपका 60 डिग्री, और इन ट्रायंगल एपीक्यू, इन ट्रायंगल एपीक्यू एंगल एपीक्यू इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, एपीक्यू कितना है 60 डिग्री, ये गिवन हो गया। फिर टू प्रूव में क्या करना है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, बराबर है ना, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, अब क्या आएगा प्रूफ। अच्छा, तो अगर हम इनको पैरेलल प्रूफ कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा ना, तो अब देखो यहां पे ए पी क्यू 60 डिग्री है और ए बी सी भी कितना है 60, अब ये जो दोनों एंगल्स हैं, अगर मैं इसको ए बी को ट्रांसवर्सल लेता हूं तो ये दोनों जो एंगल्स है ये राइट में है और अबव है, राइट में है और कहां है अबव, मतलब कि दोनों कौन से एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ना बीसी के, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के, तो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इन ट्राइंगल एपीक्यू एंगल एपीक्यू इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है, बराबर है। मैं अब क्या हो रहा है यहां पे, ये जो दोनों एंगल है एबीसी, ठीक है, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एपीक्यू इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, दोनों इक्वल हो गए। अब ये जो एंगल्स हैं, एंगल एबीसी एंड एंगल एपीक्यू आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, और कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो देयर फॉर क्या होएगा बोलो, इक्वल है और करस्पॉन्डिंग भी है, तो क्या होएगा, देयर फॉर एंगल नहीं पीक्यू पीक्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के, क्या रीजन दू मैं यहां पे, क्या रीजन दू बोलो, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, इसको ले लिया मैंने इक्वेशन 1। अब इन ट्रायंगल एबीसी पीक्यू पैरेलल है किसके, बीसी के, कहां से, फ्रॉम 1,
गिवन नहीं है ना, हमने प्रूफ किया, तो देयर फॉर इसमें कौन सा थियरम यूज हो जाएगा, बीपीटी। तो क्या हो जाएगा, एपी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्या आएगा बोलो, कन्वर्ज नहीं आएगा, कौन सा, बीपीटी थियरम। क्या आएगा, बीपीटी। ये क्या हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, इजी था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब डायरेक्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। बाकी जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड थे, आपके एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से और प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, तो इसलिए उनको नहीं सॉल्व करना है ना। ये एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस सेट का आपका आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी नहीं करना है, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आएगा उसमें, इसलिए उसे भी नहीं करना है आपने। अब देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये प्रैक्टिस सेट का क्या बोला है, इन फिगर एक्स इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। ये जो डायग्राम है, इसमें एक्स कोई पॉइंट है जो कि कहाँ है, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल में। उसके बाद पॉइंट एक्स इज जॉइंड टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। एक्स को किससे जॉइन कर दिया हमने, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। फिर सेग पी क्यू पैरेलल है डीई के, पी क्यू किसके पैरेलल है, सेग पी क्यू पैरेलल है किसके, डीई के। उसके बाद सेग क्यू आर पैरेलल है ई एफ के, क्यू आर किसके पैरेलल है, ई एफ के। हमको प्रूफ करना है कि पी आर किसके पैरेलल होएगा, डीई के, सॉरी डी एफ। पी आर किसके पैरेलल होएगा, डी एफ के। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ना, ये प्रूफ करना है। तो क्या आएगा, गिवन। क्या आएगा, गिवन। तो गिवन में सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है, एक्स इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। एक्स इज एनी पॉइंट इन दी इंटीरियर, इन दी इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। एक्स इज एनी पॉइंट इन दी इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या बोला है, कि पी क्यू पैरेलल है डी के, एंड पी क्यू पैरेलल डी और क्यू आर पैरेलल ई एफ। क्यू आर किसके पैरेलल बोला है, ई एफ के। फिर क्या आएगा बोलो, गिवन हो गया। अब आएगा टू प्रूव। क्या आएगा, टू प्रूव। टू प्रूव में क्या बोला आपको, पी आर पैरेलल किसके प्रूफ करना है, डी एफ के। पी आर पैरेलल किसके प्रूफ करना है, डी एफ के। यहां तक क्लियर है। अब क्या आएगा प्रूफ, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। एक्स इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, ये गिवन है। उसके बाद बोला है पी क्यू पैरेलल है डीई के। अब ये पी क्यू किसके पैरेलल है, डीई के। ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, एक्स डीई इसी ट्रायंगल में आ रहा है ना। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि पी क्यू पैरेलल है आपका डीई के, और दूसरा क्यू आर पैरेलल है आपका ई एफ के। ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है, ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है। अब कौन से ट्रायंगल में आ रहा था, पी क्यू पैरेलल डी एक्स डी ई के। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एक्स डी ई, पी क्यू किसके पैरेलल है, डी ई के। पी क्यू किसके पैरेलल है, डी ई के। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है। तो देयर फॉर क्या होएगा, कौन सा थ्योरम आएगा यहां पे, बीपीटी ना। तो क्या होएगा, एक्स पी अपॉन पी डी। क्या होएगा, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। ये बना मेरे लिए मेरा इक्वेशन वन। यहां पे मैं क्या लिखूंगा बोलो, कौन सा रीजन आएगा, बीपीटी। कौन सा रीजन आएगा, बीपीटी। क्या किया हमने, हमारे पास एक्स डी ई ट्रायंगल था, इसमें पी क्यू पैरेलल था किसके, डी ई के। तो एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। आया समझ में। अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है, क्यू आर पैरेलल ई एफ, क्यू आर पैरेलल ई एफ। तो ये कौन से ट्रायंगल में है, एक्स ई एफ ना। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल
एक्स ई एफ क्या हो गया बोलो। क्यू आर किसके पैरेलल है? क्यू आर पैरेलल ई एफ, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। क्यू आर पैरेलल ई एफ, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब क्या होएगा? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ, यही होएगा। ये बनेगा कौन सा इक्वेशन मेरे लिए? ये बना मेरे लिए इक्वेशन टू। इसका क्या रीजन आएगा? सेम बी पी टी, क्या रीजन आया? बी पी टी, यहां तक करेक्ट है। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ध्यान से देखो, यहां पे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है, यहां भी कौन है? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है, यही आ रहा है ना, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। तो इसका आर एच एस और इसका एल एच एस इक्वल है, तो इसका एल एच एस और इसका आर एच एस क्या हो जाएगा? इक्वल। तो देयर फॉर क्या होगा बोलो? एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। कहां से आया? फ्रॉम वन एंड टू। कहां से आया? फ्रॉम वन एंड टू। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो फ्रॉम वन एंड टू मिला अपने को, एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी ये मिल रहा है, दूसरा एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये वाला जो ट्रायंगल है कौन सा? एक्स एफ डी, ये जो ट्रायंगल है इसमें देखो, ये जो पी आर है इसमें कौन है? पी आर। ये क्या कर रहा है? एक्स एफ और एक्स डी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कैसे? क्योंकि अपने को क्या मिल रहा है? एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, ये मिल रहा है ना। तो देयर फॉर क्या होएगा? देयर फॉर पी आर जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? देयर फॉर पी आर पैरेलल हो जाएगा आपका डी एफ के। क्या आएगा? कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियरम। क्या रीजन आएगा? कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियरम, हेंस प्रूव्ड। वापस से देखें इस क्वेश्चन को, क्या बोला था कि अपने को एक डायग्राम दिया था ट्रायंगल का, जिसमें एक्स क्या था? बीच में था, है ना, बीच में पॉइंट था। और अपने को बोला था कि पी क्यू पैरेलल था डी ई के, पी क्यू पैरेलल था डी ई के। तो इसमें हमने कौन सा थ्योरम लगाया? बीपीटी। तो क्या मिला? एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये मिला अपने को कहाँ? यहाँ पे। फिर वापस क्या बोला? क्यू आर पैरेलल था ई एफ के, तो क्या मिला? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स आर अपॉन आर एफ, ये इक्वेशन टू। अब दोनों में क्या कॉमन था? एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, है ना, दोनों में सेम था, तो ये मिल गया। अब ये है तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से क्या हो गया? ये पैरेलल हो गए, तो ये क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमिलैरिटी चालू करेंगे। ठीक, अगर आपको यहाँ तक 1.2 तक कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है।